अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आई गेस एक और है, आज भी मैं थोड़ा लेट उठी, उस ट्रेन के में थोड़ा जल्दी उठी हूँ लेकिन लेट हो गई है। वेल जो भी हुआ खैर है। एंड ईद मुबारक आप सबको। आप लोग मुझे बताइए कि आज के आप लोगों की क्या प्लान्स है, आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं और किस तरह स्पेंड करने वाले हैं। मैं तो अभी जो है बस जल्दी से फ्रेश होंगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी और उसके बाद जो है अपने ईद का दिखाऊंगी आपको। मैंने ईद का जो है स्पेशल ड्रेस आया था वो तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ठीक है जी। आगे दिखाया था मैंने, मेरा ईद का ड्रेस आ चुका है, सब चीज़ें आ चुकी हैं माशाल्लाह से ऑन टाइम। तो अभी होते हैं रेडी एंड फिर चल के करते हैं फोटोशूट वोटोशूट। तो जी चाय शाय पी ली और अब मेरी जो आँखें खुल गई, अब मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हो गई हूँ। तो अब मैं जो है जाती हूँ फ्रेश होकर आती हूँ और फिर करते हैं ईद की तैयारियाँ। जिस वक्त में मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, ये आजकल बड़ी ट्रेंडिंग चल रही थी तो मैंने सोचा चले हम भी लगवा ही लेते हैं। तो जी मैं जो है नहा कर आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, अब जो है जल्दी से बाल ड्राई करती हूँ, रेडी होती हूँ। तो ये अपने बाल ड्राई, वैसे ये देखिए ये मैंने हेयर कलर करवाया तो इसकी वजह से मुझे जो है ना मेरे बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं। वैसे ग्रे हेयर आते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है, अब हो ना क्लियर। चलिए जी करते हैं ड्राई। मैं जो हमेशा जो है कूल वाली ही ये ना कूल वाली सेटिंग पे ड्राई करती हूँ। चलें जी तो अब होते हैं रेडी और लाइट जो है आज चली गई, ईद के दिन भी लाइट नहीं। अनलाइक सीरियसली, हाँ जी ये हमारा पाकिस्तान, ईद के दिन भी लाइट नहीं है। लहर तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मैंने ये जो है अपने न्यू लेंसेज आए हुए थे तो मैंने लेंस निकाले ये वाले पेंट्रो में शुगर ग्रे, ठीक है जी। देखिए ये जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे लगते हैं। एंड उसके अलावा मैं आप लोगों को जो है दिखाती हूँ मेरा आउटफिट, आज कंप्लीट दिखा देती हूँ, निकालूँ बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए जी ये है मेरा कंप्लीट आउटफिट यार, थोड़ा सुरीला तो करके दिखाऊँ, ये इस तरह से। और जिस लुक के दबर के बहुत ही प्यारा है। एंड इसकी स्लीव्स देखें, एज मैं खाला सेट की ये जो है ब्राइडल ड्रेस है, तुमने ये क्यों मंगवाया है क्योंकि मैं यार मैं चाह रही थी मतलब ईद पे कुछ स्पेशल हो। नॉर्मल से ड्रेसेस तो मैंने बहुत पहने हैं ताकि ये थोड़ा सा हैवी हो, ईद पे तो मैं चमक चलो बनूँ ना इसलिए। और ये सेम ड्रेस जो है मैंने सबीना के लिए भी मंगवाया था, बिस्मिल्लाह। ये देखें ये सबीना का ड्रेस है, ये भी सेम है, उसकी जो है घेर और लेंथ ज़्यादा है और मेरे की कम है। ये हो रही है हमारी टी पार्टी और मैंने लेंस पहन के ड्रेसेस निकाल के मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। चलिए जी ये गुड मॉर्निंग आमना, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक बोले नहीं तैयारों के बाद में। चलिए आ जाइए तो करें खुशी से ईद मुबारक, खैर मुबारक। अभी मैं रेडी हो रही हूँ और लेंस वगैरह पहन लिए, पहले आपकी जो है बहुत रेड हो गई थी, मैंने सोचा आप थोड़ा रिलैक्स हो जब तक चाय शाय पीऊँ, अब होती हूँ रेडी। और ये हो रही मेरी बहन, ये देखिए हम पूरा रेडी और भाभी अब आई हैं। तो 9 बजे भाभी, ये अभी 4-5 हो रहे हैं। कौन से 4-5? नहीं नहीं वो पता है क्या 12 देरी चल रही है ना, तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अभी 9 बज रहा है तो इसको अभी मैं जाऊंगी तैयार करूंगी, पता है तभी तो फिर होगी। शायद 7 बजे उठे हो तभी, आप लोग पूरी रात सोए हो? नहीं नहीं हम बस जाग ही रहे थे इसीलिए मुझे एक्साइटमेंट थी ना। चले अब जल्दी से हमारे मिनसो रेडी कर कर जाए। ईद मुबारक टू ऑल मेरी तरफ से, अब मिंचो ये बिफोर दिखा दिया, अब आफ्टर दिखाएंगे। ओके चलो मिंचो के पप्पो भी बोले से हाय 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 बोलो सबको, हाय बोलो, बाय बोलो, बोला बाय बोलो, चलो कुछ नहीं बोल आ बोल रही बोल रही। चलो मिंचो रेडी होकर आए। ओके हम आप भी चले अब हमारा फोटोशूट करें और बाद में होते हैं रेडी। ओके तो गाइज अभी हम हो चुके हैं रेडी और लाइट अब स्टिल नहीं है ईद के दिन भी। और ये देखिए हमारी दुल्हन ये भी रेडी हो चुकी है और हम ना करिए मिनशो को थोड़ा बहुत रेडी। चलो चलो जी रामीन भी आइए हमारे घर। रामीन सबको ईद मुबारक बोले, ईद मुबारक, खैर मुबारक रामीन। चले अब ये है फुल आउटफिट डिटेल्स बाकी दिखाते हैं। गाइज ये सबीना का फुल लुक देखें और अब हमारी मिंसा जान का फुल लुक देखें। वाह मिंसा जान वाह कितनी प्योरी, मिंसा आपकी ये लेफ्ट राइट पोनी किसने की है? हाँ वाह लेफ्ट एंड राइट शुद्ध का कितनी खुश हो रही है, कभी पप्पो वालों को तैयार नहीं देखा ना, आज खूबसूरत लग रही है। भाई जी देखिए हम सारा अपने टीम टप्पर लेकर आए हैं बेचारे हम,
फोटो शूट करने ही चप्पल शपल। ये मुझे भी देखें साल, ये देखें गाइस मेहनत। अब ये वीडियो चेक करना यार, वीडियो के पीछे मैंने बोला ये लिख पता दो गाइस, मैं बहुत थक चुकी हूँ, देखिए कितनी मेहनत करती है, इस थोड़ा प्यार शो कर दिया करें। सूरज मामा चला गया, जल्दी करें। तो जी हो गया फोटोशूट और मैंने जो चेंज वेंज कर लिया क्योंकि ये बड़े हेवी थे और सबीना स्टिल इसी ड्रेसिंग में है। मेरा दिल नहीं कह रहा और मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी थोड़ा इजी होके बैठूं और उसके बाद जो है हमें जाना है बाहर, पड़ी बाहर नहीं मतलब हमें जाना है चाचा वालों के घर, अपनी कजिन्स के घर, तो फिर जाकर मैं पहनूंगी। अभी मैंने सोचा मैं थोड़ा इजी रहूं क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा हेवी है और एक्चुअली बात भी ये है कि ड्रेस के साथ फील भी हो रहा है कि ईद है, अदरवाइज फील नहीं हो रहा है, तो बस ये चीज़। थैंक यू। तो जी हम सबको मिलिए ईदी। व्हाट इज दिस रीमा, व्हाट इज दिस, दिस इज खुशी। गाइस दिल तो नहीं कर रहा था पर ये चेंज कर लिया मैंने भी और सबीना ने भी क्योंकि बड़ा ही ड्रेस हैवी है, ऐसे लग रहा है कोई 8-10 किलो का हम ना कुछ लेकर घूम रहे हैं इसीलिए। और आज हम जा रहे हैं अभी अपनी कज़न के घर, ना हो रही है रेडी एंड ये रही मैं उसी ड्रेस के साथ क्योंकि मैं भी अभी चेंज करूँ, मैं सोचू कौन सा पहनूँ, कुछ ईजी सा पहनूँ ताकि जो है हम रिलैक्स रहें। तो गाइस हमें सामना शो करती है, मैंने कभी नहीं किया, देखें आज अपनी बहन का ड्रेस जो है मैं खुद इस्तरी कर कर आई हूँ और ये मैडम तो जो है तो बनता है ना, मैं आप लोग की वजह से अभी तैयार हो। हाँ ये है, नहीं मतलब मेरा फ़र्ज है, मेरी बहन हो वो चीज़ नहीं, मतलब तुम शो करते हैं तो मेरे लिए इतना करती हो। ये देखो आमना का न्यू ड्रेस है गाइस ईद का, ठीक है, और इसका प्रेस भी मैंने किया है जी मेरा है और वो सबीना का था, मेरा भी ऐसा था, हम लोगों ने इधर आओ ये तो दिखाओ ये दुपट्टे के साथ, चलो पहन कर आ जाओ। या सबीना के आप डिटेल बाद में दिखाएंगे, ये हम लोगों ने ये गाइज हम लोगों ने जो है दो दो ड्रेसेस लिए थे ताकि पहले जो इसका शूट वगैरह करके उसके बाद चेंज करेंगे फिर इजी सा कोई ड्रेस पहन लेंगे। वो अभी बस रेडी हो चुके हैं गाइज, एक्चुअली आई चेंज माई माइंड, सब जो है वाइट वेट पहन रहे हैं तो मैंने सोचा चलो वाइट ना सही तो ये मैचिंग कर लेती हूँ, इसकी जो है शलवार और दुपट्टा वाइट है तो वाइट ही पहन लेती हूँ, मैं भी अपनी बहनों की तरह देखूँ मैं इसीलिए थोड़ा सा आईज लुक भी चेंज कर दी ताकि वाइट वाइट सा दिखे। तो अब जो है मैं करूँगी अपने मेकअप को थोड़ा फ्रेश और अकॉर्डिंग टू वाइट, ये मैं पहले कर चुकी हूँ, वो वन मैंने जो शिमर्स उतारे और चेंज किया। तो जी अब देखिए क्लीन हो चुका है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये इयर रिंग्स पहने हैं और ड्रेस डिटेल्स भी फुल दिखाती हूँ आपको अभी कि सबीना की आउटफिट डिटेल्स बड़ी हसी लग रही हैं आप, हम ना आप अपनी दिखाएंगी या बाद में? बाद में दिखाती हूँ पहले ये। ओके 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 ओके, ये किसको बच्चा है, कुकू है हमारा आनंद सजान, और मिंसा जान ने गोल्डन रिंग्स पहनी है, शो योर रिंग्स मिंसा जान, एक पोनी किधर गई, सभी ने चार रखे यार, कुकू वो देखता है तो दीवाना हो जाता है। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, फिर से डांस करके दिखाओ हमें अपना, छन छन बोले चूड़िया बच्चे को बहला रहे और ये हमारा बच्चा है जो बहल ही नहीं रहा, ईद के दिन हमें नचारा जी। सभी ने आप मेरे दिखाएं, ये मैं पहनूंगी ठीक है, नहीं ये आप पहन लो, वो वाला मुझे दे दो। सबीना मेरे चप्पलों के साथ नीचे मत बैठना, मेरे चप्पलों को थोड़ा खराब मत करना, मेरे चप्पलों में चढ़ के जहाँ बैठूंगी बोलूंगी भाई मेरी बहन के, मैं वहाँ देख सकती जी। आमना आप अब रुके, आमना गॉर्जियस, ये सच बोल रही हूं वाल, बहुत हसीन लग रही हैं आप, ऐसे सही है। आखिर पप्पो किसकी हो, कुकु की, मिंसा जान, आखिर मिंसा सबीना ये मेरे हैं, हाँ नहीं दूंगी ये मैं आपको, मिंसा जान पुप्पो लड़के आए सबसे यार, कब से मैं रेडी हुई हट नहीं रही, क्या मकसद है। तो जी हो चुकी मैं रेडी एंड मैंने कुसन के साथ मैचिंग की है और ये मेरी फुल आउटफिट डिटेल्स।
रिंग भी दिखा दूँ, ये देखें जी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब बस जाने की तैयारी है, आई मीन जाने की देरी है। और यहाँ पे लगी हुई हमारी आमना, आमना अब मुझे जगह दोगी? हाँ, एक मिनट। यार ये जगह ही नहीं दे रही मुझे, आज प्यारे कपड़े के पहने टरली हो गई है। तो बस अब रेडी, अब हम जा रहे हैं फाइनली। आ जाओ मैडम, 1 2 आमना जल्दी। नानी के घर आई है, ओए होए, मिन्स जान की ईद हो गई, ओए होए। ये देखिए हमारी मिन्स जान को ईद मिली। बड़ी होगी फिर पप्पू आपको देगी, पूरी ईद देगी। बच्चा संभाल के रखो मैं। वो रो रही है कि ये मुझे दो। संभाल के रखे पप्पू, फिर आपको मिलेगी। नहीं वो कह रही मुझे दो। कि पैसा क्या है? और नहीं तो क्या, ईदी मिन्स जान की। जाओ मैं रखती जाती हूँ, आपको दूंगी। नहीं नहीं शी वॉन्ट्स, नहीं नहीं शी वॉन्ट्स अपनी मनी बैक। चले सबने अपनी मेहंदी दिखाए और इसकी चुनिया देखे हमारी चमक चलो की। और हम कब से आए थे, हम बातें बातें कर रहे थे एक्चुअली, फिर हम भूल गए, फिर अभी हमें याद आया भाई हमें व्लॉग भी बनाना है। और हम आए अपनी कजन के यहाँ जो हमारी नहीं आती, बेगम शरीफ मैडम, ये हमारी इसीलिए शर्मीली बहुत है ना। बाकी आमना किधर गई? आमना लगी हुई शल ना कहीं मिरर देखी आमना, कसम से आमना आपकी हजारों पिक्चर्स मेरे पास। तो हजारों में ये 200 और हो जाएगी। ये नहीं कि आओ कचहरी करो हमारे साथ बैठो। कितनी कचहरी की मैंने? ये तुम अपनी इस बहन के लिए आई थी ना, पूछ रहे उनसे कितनी कचहरी की मैंने। कचहरी की है चलें भला की है थोड़ी बहुत। क्या बोल रही थी आप? नहीं आप क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? करो ना फिर, अभी की बोती बंद हो गई जब कैमरा खुला है तो। करें जी करें, अपना फेस ना छुपे, हम आपका फेस नहीं दिखाएंगे, अब करो। ये क्या है? ये हो रहा है हमारे इस पे, नहीं ये हो रहा है हमारे पास पागल लड़कियां। नहीं दो ना इसको, सब दो, कितने चाहिए? हम 5,000 देते हैं तुम्हें बस। और बात बताओ, अच्छा करके दिखाओ, ये दे वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरा डांस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो दिल तो खुश हो ना। 5,000 जैसा दे, इसका डांस भी तो हो। 5,000 जैसा नोट दे रहे हैं, नोट। बाय द वे भाभी यू लुक सो प्रीटी। और आमना ये जो मेकअप करवा के आई ने, 1,000 सेल्फीज ले चुकी है भाभी, 1,000 ये नहीं छोड़ेगी। हसीन तेरी नहीं, इसको मुझसे प्यार नहीं है, बस मैं करती हूँ क्या करूँ, मेरी दिल है, लेकिन इसको बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं है। जो एक भी मेरे साथ, तुमने एक भी पिक्चर निकलवाई है मेरे साथ? ये देखो हक की बात करो, वो तो अभी भाभी ने निकाली ना। मैं आई शजान, चलो अब घर चलें, ज्यादा हो गई खाला से बातें। मिंसा जान इज रेडी, मिंसा की पप्पा भी रेडी। चलो जी आओ। तो गाइस ये देखिए हम आ चुके हैं, और जो है मैं अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी, बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि मैं 12 बजे से उठी हुई हूँ और अभी हो रहे हैं 4। तो चलिए जी अब मैं करती हूँ अपना मेकअप क्लीन। ये पीछे से आपको नज़र आ रही है हमने इसकी स्टिल, फोटोग्राफी ख़त्म नहीं हो रही मैडम की। 500 या 1,000 तो पिक्चर्स ले ही चुकी होगी। तो जी मैं जो है फेस वॉश करके आई थी, उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग की, अब जो है ये मिस्ट लगाऊंगी मैं, ये मिस्ट जो है मैं मेंशन कर दूंगी जो भी प्रोडक्ट्स में नीचे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आई सीरम लगाई, और जो है ओपन पोर्स के लिए सीरम होती है वो लगाई थी, देन अदर प्लान मॉइस्चराइज़र। अब चेक करें मेरी स्किन टोटली नीट एंड क्लीन एंड कितनी फ्रेश हो गई है। बस अब मैं बहुत थक चुकी बहुत ज़्यादा, तो अब ऐसा करती हूँ मैं सो जाती हूँ, और ये व्लॉग भी जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी रही। गाइस ये देखिए मैं सोने ही लगी थी, सजन क्या करी मेरे मेट पे, मतलब क्या इस वक्त इसको याद आया, और इस वक्त हमारी मिन सजन खेल रही है, बिस्मिल्लाह इसके खेलने का टाइम है, और इसी वक्त अपनी तंग करेगी है। अभी मैं इसको संभाल बाद में आके देखती हूँ। जी देखिए किससे सोरे अब कैसे करी, तो मैंने देखना बिस्मिल्लाह।
छी छी दांत आ गए मेरे नीचे जान के। और फिर ऐसे की सेम चीज पे बिस्मिल्लाह शुद्ध का मेरी जान कुकु बच्चो। अब इस वक्त मैं इसको खिलाऊंगी और फिर इसको थोड़ा भाभी को देकर आऊंगी और फिर सोती हूँ मैं।